देश भर में 21 जून को मृगशिरा नक्षत्र में 6 वक्री ग्रहों के साथ सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण मिथुन राशि मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में लगेगा। ग्रहण के दौरान सूर्य के वलय पर चंद्रमा का पूरा आकार नजर आएगा। सूर्य का केंद्र का भाग पूरा काला नजर आएगा, जबकि किनारों पर चमक रहेगी। खास बात यह है कि इस बार एशिया के सबसे बड़े सरोवर ब्रह्म सरोवर में श्रद्धालु श्रद्धा की डुबकी से वंचित रहेंगे। शुक्रवार को लघु सचिवालय उपायुक्त कार्यालय में सूर्य ग्रहण के दिन कोविड-19 के आदेशों की पालना तथा सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंधों को लेकर अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में जब भी सूर्य ग्रहण मेला लगता है, उसके धार्मिक महत्व को जहन में रखते हुए प्रशासन की तरफ से हर बार सूर्य ग्रहण मेले को लेकर प्रबंध किए जाते हैं। इस वर्ष 21 जून को सुबह 10:20 से दोपहर 1:47 तक सूर्य ग्रहण लगेगा, लेकिन कोविड-19 के कारण प्रशासन ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष सूर्य ग्रहण पर किसी भी प्रकार के मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। इसलिए प्रशासन ने 48 कोस के अंतर्गत कुरुक्षेत्र में पड़ने वाले तीर्थ स्थलों जहां पर स्नान किए जाते हैं, चाहे वह गांव में हो, ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर, ज्योतिसर या पिहोवा का सरस्वती तीर्थ हो, ऐसे धार्मिक स्थलों पर लोगों को एकत्रित नहीं होने दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 21 जून को कुरुक्षेत्र बल्कि विश्व के अंदर सूर्य ग्रहण है, और ये एक सूर्य ग्रहण ऐसा इस बार जो सूर्य ग्रहण हो रहा है उसका धार्मिक महत्व भी होता है, और हर साल और हर बार जब भी ये सूर्य ग्रहण इस तरह का होता है तो मेले का आयोजन प्रशासन के द्वारा किया जाता है। लेकिन इस समय जो कोविड के कारण से जो कोरोना महामारी के चलते हुए प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि किसी भी तरह का मेला नहीं लगाया जाएगा। इसी के उपलक्ष्य में हमने आज एक मीटिंग की है, जिसके अंतर्गत हमने सभी अधिकारियों का एक डायरेक्शंस जारी की हैं कि गाँव के 48 कोस के अंदर जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर लगते हैं, जिसमें जितने भी धार्मिक स्थान हैं, जिसमें जहाँ पर भी स्नान किए जाते हैं, चाहे वो गाँव में हो, ब्रह्म सरोवर में हो, सन्नी सरोवर में हो, पेवा में हो, जहाँ में भी हो, वहाँ पर किसी तरह का हम पीपल की गैदरिंग अलाउ नहीं करेंगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।